अनिल मौर्य एमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, कॉची इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करेंगे इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम्स एक्चुअल में क्या है, उसका प्रूफ क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आइए सोल्यूशन पर हम बात करते हैं। बिफोर वाट दिस माई वीडियोज़ मेरे चैनल एमएस ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोज़ को डायरेक्टली देख पाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। मेरे आप फेसबुक पेज, व्हाट्सअप ग्रुप जो भी है उनसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आइए स्टेटमेंट पे बात कर लें इसके। हम कह रहे हैं कि इफ़ एफजेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन ए क्लोज ऑन ए सर्कल सी गिवन बाय जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, और एंड इफ मॉड ऑफ एफजेड लेस देन एम है फॉर एवरी जेड, कभी सभी जेड के लिए ऑन सी, देन इज प्रूव दैट इज इम्पॉर्टेंट। मॉड ऑफ एफ रेस टू एन जेड इज लेस देन आर इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन आर रेस टू एन, मतलब इस तरह से एक हमारा सर्कल है, यहाँ पे ए है, ये दैट इज रेडियस आर है, ठीक है, और एक क्लोज कर्व सी है, समझ सकते हैं आप। तो आप ये जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डेरिवेटिव फार्मूला कह सकते हो आप, कॉची इंटीग्रल जो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है ठीक है, एवरीवन इज नो कि व्हाट इज द फार्मूला, सिंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ रेस टू एन ए, ठीक है, एफ रेस टू एन ए इज इक्वल टू टू, ठीक है, एफ रेस टू एन ए एन फैक्टोरियल 2 पाई आई, ठीक, समझिएगा, क्लोज कर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर ऑफ एन प्लस वन टी जेड, ये आप हम सभी जानते हैं, दैट इज़ अ फार्मूला। तो अब इसको हमें करना क्या है, तो अब चूंकि यहाँ पे मॉड है तो पहले हम मॉड ले लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। मॉड एफ रेस टू एन ए, तो अब देखिए इज इक्वल टू, जैसे ही मॉड करेंगे, दिस इज द मॉड एन फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम, टू पाई आई का मॉड हो जाएगा, सी मॉड एफ जेड जेड माइनस ए रेस्पॉर एन प्लस वन है, इसका भी मॉड हो जाएगा, मॉड डी जेड भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये ऑलरेडी तो दिया हुआ है आपको, लेस देन आर इक्वल टू एम, मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, पहला तो एम एन फैक्टोरियल टू पाई आई, टू पाई मॉड आई मतलब वन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड आई हो गया तो मॉड आई इज़ वन हो जाएगा, तो कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, इज मॉड आई इज वन, सिंपल। अब यहाँ पे जो बचेगा सी मॉड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस वन का मॉड है, ठीक है, तो सपोज दिस इज वन। अब इस लॉजिकली वे में कैसे करना है इसको, अब पोलर फॉर्म में हम इसको लिख करके वर्कआउट कर लेंगे। तो अब हम मान लेते हैं दिस इज स्लैट जेड माइनस ए आर ई पावर आई थीटा, ये पोलर फॉर्म मानते हैं आप, तो डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिए, डी जेड आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, मॉड ऑफ डी जेड क्या होगा, सब कैंसिल, आर ई पावर आर डी थीटा मिल जाएगा, सिर्फ मॉड डी थीटा मतलब डी थीटा, एंड थीटा जो हो जाएगा वेरी जीरो टू टू पाई, ये वर्कआउट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे वर्कआउट आगे का हम कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, तो ये हमारा जो होगा सपोज वन फ्रॉम वन, देखिए एफ रेस टू एन ए मॉड लेस देन आर इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाय टू पाई मॉड जेड लिमिट जीरो टू टू पाई डी जेड, मतलब यहाँ पे अब आर ई पावर आई थीटा भी खत्म हो गया, आर डी थीटा बचेगा, यहाँ पे जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए पावर हमने लिया हुआ है, दिस इज, तो आर रेस टू एन प्लस वन मिल जाएगा, ध्यान रखिए आर रेस टू एन प्लस वन,
और जैसे ही मॉड आएगा तो ये मॉड इसका मॉड आएगा एन प्लस वन कुछ भी हो तो दैट इज द वन मिल जाएगा, मतलब ये मॉड ई पावर आई थीटा रेस पावर एन प्लस वन, ठीक है, वर्कआउट, ये तो वन हो गया क्योंकि प्रॉपर्टीज है मॉड ई रेस टू कॉस तो कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज द वन। तो लेस देन आर इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल 2 पाई आर रेस्ट अपॉन आर रेस्ट टू एन प्लस वन 0 टू 2 पाई डी थीटा ओनली, ठीक है, दैट इज द डी थीटा ये वन। तो अब ये क्या मिलेगा 2 पाई कैंसिल, तो एम एन फैक्टोरियल 2 पाई 1 अपॉन आर रेस्ट टू एन इंटू 2 पाई, सो 2 पाई इज कैंसिल, तो दैट इज अ प्रूफ दैट f raised to n a is mod f raised to n a mod is less than or equal to m n factorial upon r raised to n, ठीक है, that is the proof। तो what is the main important points, main important point हमारा कहाँ कहाँ रहा, ये जो वर्कआउट है यहाँ पर और ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये वैल्यूज़ कैसे वन हो गए, समझा दे, अभी चेक कर लेते हैं हम। देखिए जैसे कह रहे हैं कि ई पावर आई थीटा मॉड ऑफ एन प्लस वन इज़ व्हाट, ई पावर, अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस पावर एन प्लस वन, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अंडर रूट में कह सकते हैं आप एन प्लस वन, तो दैट इज वन, रेस पावर कुछ भी लिख दीजिए तो दैट इज वन। तो ये वैल्यू इज वन किस तरह से फाइंड की, ये वाला कंसेप्ट यूज करके। अब जैसे एक जगह और आया था कि मॉड आई इज वन, व्हाट मॉड आई इज वन, मतलब वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0 प्लस आई मॉड, ठीक, तो जिस इज वन का स्क्वायर हो जाएगा 0 हो गया दैट इज द वन, सो दैट इज द वन। तो मॉड आई इज ऑल्सो वन हो जाएगा स्क्वायर रूट में, या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, तो वही लॉजिकल वे है कि इस तरह से हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे रहा, पहले इसका मॉड ले लीजिए जो वैल्यूज दी हुई है और फिर उसको हम पुटअप करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दैट इज़ अ पोलर फॉर्म। और मेन इज इम्पॉर्टेंट यहाँ भी रहा, ये पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सर्कल वाला कंसेप्ट, दिस इज आर, ठीक है, और ये आपका जेड इक्वल टू ए है, तो इसको हम थीटा जी रेस टू आई थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस अ पोलर फॉर्म में। तो ये वे है इसको हम करने के, कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम। सो बहुत और सारे वे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वे कि हाउ टू प्रूव दिस, बट दैट इज़ वन वे, एक ये भी एक मेथड है कि हम कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम को इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।